आठवीं कक्षा के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इसका रिवीजन करेंगे, कि जो मैंने पहले आपका उस पाठ को समझा दिया था, लेकिन अब उसे दोबारा उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यानी कि मैंने कभी भी नहीं सुना है बिल की आवाज़। तो कहानी है ये, कश्मचित बने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म, कि कोई एक जंगल था, कश्मचित बने किसी एक जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तता परिब्रह्मन क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। तो उसने कभी, इतस्तता होता है इधर उधर, उसने कभी इधर उधर घूमते हुए और वो भूख से बहुत पीड़ित था, तो किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किंचित यानी कुछ भी उसे खाने को नहीं मिला। तथा सूर्यास्त समय एकां महतीं गुफा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय, शाम के समय उसने एक बड़ी सारी गुफा को देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतेष्यां गुहां रात्रो को अपि जीव आगच्छति, कि निश्चित ही एतेष्यां इस गुफा में रात को कोई तो जीव जरूर आता होगा, यानी इस ऐसा सोचकर, अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अन्तरे गुहा स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समा आगच्छत्। एतस्मिन् मतलब इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल था, वो वहाँ आ गया। सा च यावत् पश्यति, जैसे ही वो देखता है कि तो तावत् त्यों ही सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्ट दृश्यते। तो वो देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में जाते हुए नज़र पड़ते हैं। नैचे बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं, मतलब जाते हुए उसके पैरों के निशान, पैरों की छाप दिखाई देती है, पर वो दोबारा गुफा से बाहर निकला हो ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। तो श्रृगाल अचिंत्य होशियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे कुछ मतलब बुरा होने वाला है, कुछ नष्ट होने वाला है। नूनम अस्मिन् मिले सिंगा अस्ति इति तर्कयामि, कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर कुछ शेर है, सिंह है, तर्कयामि मतलब ऐसा लगता है। तत् किं करवाणि, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरभता, तो इस प्रकार विचार करके मैं दूर खड़ा हो गया, दूर स्थित होकर उसने जोर से आवाज़ करना आरंभ कर दिया। भो बिल हे गुफा किम ने स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। तत्मया तव्य से समय क्रतो अस्ति यद यत यद अहम बाहता प्रति आगश्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि, कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे साथ मैंने एक शर्त लगाई थी, मेरी एक शर्त थी तुम्हारे साथ, कि जब भी मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, मतलब कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। यदि त्वम माम न आयसिसी तही एम द्वितीय विलम्ब याश्यामी इति, अगर यदि तुम मुझे नहीं बुला रही हो, नहीं बुलाओगी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो इस तरह से उसने अपना मतलब एक प्लान बनाया और उसके अनुसार उसने ये काम किया, कि दूर खड़ा होकर वो बिल को आवाज़ लगाने लगा, अपनी गुफा को आवाज़ लगाने लगा कि तुम्हारे साथ मैंने एक शर्त लगाई है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और अगर अभी तुम मुझे नहीं बुला रही हो, तुम मुझे आवाज़ देकर नहीं बुला रही हो, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, तो इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा,
कि नूनम येषां गुहा स्वामिनी सदा समाहन करोति, कि निश्चय ही ये गुफा का स्वामी नहीं, निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी। परंतु मत भयात न किंचित भवती, किंतु इस समय मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण ये कुछ बोल नहीं रही है। और साधु इदम उच्चते, और ठीक ही कहा जाता है, मतलब कि भयस्त्रत मनसाम हस्त पादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफुत स्यादो भवेत, कि जो डरे हुए मन वालों, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके हाथ पैरों की जो क्रियाएं हैं और वाणी है, वो क्या होती है, कंपित हो जाती है। कि जो डरा हुआ, कोई भी डरा हुआ इंसान हो, डरी हुई कोई भी चीज़ हो, तो उसके जो हाथ पैर है वो कांपने लग जाते हैं, और उसकी आवाज़ भी कंपन करने लग जाती है। तो ये ठीक ही कहा जाता है इस बात को। तो इसीलिए शेर ने सोचा कि ये जरूर ही ये गुफा है वो अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन अब मेरे डर के कारण ये नहीं बुला रही है। तद अहम अश्य आहानम करोमि एवं सैबिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, तो मैं ही इसको बुलाता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। तो शेर ने सोचा कि ये गुफा नहीं बुला रही है, तो मैं ही उसे बुलाता हूँ, और इस प्रकार मैं बुलाऊँगा तो वो बिल के अंदर आ जाएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचारीय सिंह सहसा श्रृगालस्य आहानम अकरोत, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक श्रृगाल का आहान किया, यानी श्रृगाल को बुलाना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची आवाज़, ऊंची गूंज को प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आयत, यानी शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया, कि शेर ने जोर से दहाड़कर उस श्रृगाल को बुलाया, सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता अभवन, और इससे जो दूसरे पशु थे वो भी डर गए। श्रृगालो अपि तथा दूरम पलायमाना इमम अपठत, कि जो सियार था वो भी फिर उसे मतलब निश्चित रूप से पता चल गया कि इसके बिल के अंदर शेर है, तो वो ये सुनकर फिर दूर पलायनमान मतलब भाग गया। तो इमम अपठत यानी कि मतलब ये पढ़ा है, ये भी बात सत्य है कि अनागतम या कुरेते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संसस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि जो व्यक्ति नए आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो नए आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है, यानी सोचनीय होता है, उसे सोच में डूबना पड़ता है। तो जहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, तो मतलब कि लेकिन जो बिल है या गुफा है तो उसकी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है रिवीजन के तौर पर। तो अब आपको कुछ प्रश्न इसमें से दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको करके अपने होमवर्क ऐप से तुरंत भेजना है। थैंक यू।